बहुत पहले बचपन में जब भी मुझे कुछ चीज़ों की समझ नहीं थी, फिर तो ये आदमी ऐसा क्यों कर रहा है, वैसा क्यों कर रहा है, मेरे अपने बायस थे पर उसके कारण है, उसकी वजह है कि वो आदमी ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है। तो उसकी वजह को मैं अपनी वजह नहीं बना सकता, सो प्रोफाउंड. उसकी वजह उसकी दुनिया के लिए ठीक है। और मैं आंसर देना भी पसंद नहीं करता कई लोगों को। अगर आप आंसर चाहते हैं तो आंसर दूंगा, आप अगर आंसर नहीं चाहते सिर्फ क्वेश्चन करना चाहते हैं तो मेरे पास उसका आंसर है ही नहीं, क्योंकि आप आंसर चाहते नहीं। सो सवालों का भी जवाब उन्हीं का दिया जाता है या दिया जा सकता है जिसका जवाब आप सीख कर रहे हैं। कई बार हम सिर्फ अपने आप को ईगो सेटिस्फाई करने के लिए, अपना नॉलेज दिखाने के लिए जब सवाल पूछ लेते हैं या कमेंट कर देते हैं, वो आपकी दुनिया है ना, फिर तो आप आंसर चाहते ही नहीं उसका, आप तो ऑलरेडी जजमेंट पास कर चुके हैं किसी के ऊपर। बहुत सारे लोग आजकल सोशल मीडिया पे किसी ना किसी को पढ़ता रहता है, कभी ट्रोल हो रहा है कोई या जजमेंट पास कर रहा है, वो ठीक है, वो आंसर सीख करना ही नहीं चाहते। मैं वरी नहीं करता उस चीज की कभी भी। सो ब्यूटीफुल, वेरी डिफिकल्ट टू डू, बट यू नो, बट दिस इज द ट्रूथ व्हिच आई अंडरस्टैंड एंड आई एम श्योर ओवर टाइम यू हैव इवॉल्वड इनटू दिस, यू नो, फॉर दिस अंडरस्टैंडिंग।